दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भाग्य चमकाने वाले एक पौधे के बारे में। मनी प्लांट के बारे में तो आप सभी जानते हैं और अमूमन हर घर में मनी प्लांट का पौधा तो आपको दिख भी जाता है, लेकिन आज मैं मनी प्लांट के पौधे की बात नहीं कर रही हूँ। एक ऐसे पौधे की बात कर रही हूँ जिसका असर जो है वो आपको तुरंत दिखने लगता है, इसका चमत्कार आपको नजर आने लगता है। इस पौधे को कैसे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, किन परिस्थितियों में लगाना चाहिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस दिशा में हमें लगाने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है, और यदि किसी भी कारणवश ये पौधा सूख जाए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं, कई ऐसे पौधों के बारे में जिक्र किया गया है जिनका यदि आप अनुसरण करते हैं, सही ढंग से आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में वैसे भी सुख समृद्धि हमेशा के लिए वास करती है। भाग्य ये पौधे आपका बदलते हैं, ऐसे में ना तो आपको किसी और तरीके से खर्च करने की जरूरत होती है और ना ही सर फोड़ने की जरूरत होती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना कितनी बड़ी मुसीबत है। एक एक जरूरत इतनी होती है कि उसे इतनी आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल है और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ भी सकती हूँ, इसलिए आपसे लेकर आई हूँ उससे जूझने के लिए, उससे निपटने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय। इस उपाय में आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक पौधे को लाना है और उसे एक निश्चित दिशा पे लगाना है, बस ये काफ़ी होता है घर में समृद्धि लाने के लिए। देखने में तो सुंदर लगता ही है, साथ ही पॉजिटिव एनर्जी भी लाता है और घर में धन के रास्ते भी नए नए खोलता है। ऐसा ही एक पौधा है स्पाइडर पौधा। ये स्पाइडर प्लांट के नाम से अमूमन जो है ना आपको नर्सरी में देखने को मिल जाएगा। देखने में बहुत ही सुंदर होता है, छोटा होता है, जिसे घर के अंदर लगाना बहुत आसान होता है। यदि आप इस पौधे को लगाते हैं तो इससे आपका भाग्य जो है ना खूब संवरता है, निखरता है, वातावरण में जो है एक अलग सी ऊर्जा आपको महसूस होती है, बहुत ही अच्छी सी एक फीलिंग आपके अंदर आती है, मूड इससे आपका जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। इस पौधे को आप कहीं भी लगा सकते हैं, परंतु कभी भी घर के दक्षिण पश्चिम कोने में इस पौधे को ना लगाएं। इस पौधे को आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, बालकोनी में लगा सकते हैं, लिविंग रूम, स्टडी रूम या कहीं भी ऐसी जगह लगा दें जहां पर धूप उस पर डायरेक्ट पड़ने के कोई चांसेस ना रहें। स्पाइडर का ये प्लांट जो है आप अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं, जहां भी रखते हैं वहीं पर ये पॉजिटिव एनर्जी को फैलाता है, इसलिए यदि आप अपने कार्यस्थल पर रखते हैं तो वहां के वातावरण को जो है ना ये बहुत ही अच्छा रखता है, बहुत ही एनर्जेटिक रहता है, इससे आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है, इनकम बढ़ता है, साथ ही माहौल खुशनुमा होता है, तो निगेटिविटी को भी दूर रखता है, इससे जो है प्रेम आपसी रिलेशन में बढ़ता है, सुख समृद्धि ये पौधा लेकर आता है। अब इसे लगाने के लिए सबसे सही दिशा वैसे तो ईशान कोण है, या फिर आप घर के उत्तर पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना है घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो खासकर इस पौधे को कभी भूल से भी ना लगाएं। ये वहां पर यदि आप लगाते हैं तो ये आपको शुभ रिजल्ट की बजाय जो है ना अशुभ रिजल्ट देने लगते हैं, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। इस पौधे को कभी भी सूखने ना दें, और यदि सूख जाता है, पौधा मर जाता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, तुरंत उसे पौधे को बाहर फेंके और एक नया पौधा उसके स्थान पर लगा ले। यदि घर में कोई भी सूखा हुआ या मृत पौधा या फूल भी है तो समझ लें कि ये घर में निगेटिविटी लेकर आता है, निगेटिव एनर्जी को लेकर आता है, नकारात्मक ऊर्जा का स्थान बनाता है, तो वैसे भी आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप इन चीज़ों का अनुसरण करते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, यकीन मानिए आपके घर में खूब ज़्यादा जो है ना बरकत आने वाली है, आपके घर में हमेशा खुशियाँ आने वाली हैं, समृद्धि आने वाली हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।